ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन जब समस्या आती है तो समाधान भी होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष तभी बनता है जब उसके सभी ग्रह राहु और केतु के बीच हो। कई लोगों की कुंडली में कई तरह के दोष पाए जाते हैं, जिनमें से काल सर्प दोष भी एक है, जिसे ईश्वर प्रदत्त माना जाता है। लेकिन आपको काल सर्प दोष से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ उपाय करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। जाने इस वीडियो के जरिए कि काल सर्प दोष दूर करने के लिए सावन में कौन से उपाय किए जा सकते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सावन का महीना बहुत पवित्र होता है और इस महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। इनमें भगवान शिव भी शामिल है, जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई 2023 को शुरू होगा और इस साल सावन 2 महीने का है। कहा जाता है कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो भगवान शिव को प्रसन्न करना जरूरी है और इस साल इसके लिए भक्तों को काफी समय मिलेगा। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। यदि आप पर भगवान शिव की कृपा हो गई तो नाग देवता के सभी दोष दूर हो जाएंगे। काल सर्प दोष दूर करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम है। सावन के पूरे महीने में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उन्हें प्रसन्न भी करते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 1,32,000 बार करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, रोजाना शिवलिंग पर दूध, गंगा जल और शहद मिलाकर अभिषेक करने और बिल्व पत्र चढ़ाने से भी काल सर्प दोष दूर हो जाता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।